हेलो फ्रेंड्स, चैप्टर नंबर 6 अमालगमेशन ऑफ कंपनीज पढ़ेंगे आज. पहले तो तीन बेसिक टर्म्स दैट इज अमालगमेशन, एब्जॉर्प्शन, एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन का मीनिंग क्या होता है वो देखते हैं. फर्स्ट, व्हाट इज अमालगमेशन? अमालगमेशन का मीनिंग क्या होता है? इट मींस व्हेन टू और मोर एग्जिस्टिंग कंपनी गो इनटू लिक्विडेशन and a new company is formed to take over their business is called as amalgamation. मतलब two or more, दो या उससे ज्यादा existing company, मतलब जो companies already चल रही है वो liquidation में जाती है, मतलब अपनी companies close down करती है और एक new company form होती है और एग्जिस्टिंग कंपनी का बिजनेस न्यू कंपनी टेक ओवर करती है, उसे क्या बोलते हैं? अमालगमेशन. फॉर एग्जाम्पल, एक्स लिमिटेड एंड वाई लिमिटेड दो कंपनीज है. दीज आर एग्जिस्टिंग कंपनीज. एक्स लिमिटेड भी एग्जिस्टिंग कंपनी है एंड वाई लिमिटेड भी एग्जिस्टिंग कंपनी है. एग्जिस्टिंग कंपनीज क्या हो रही है? लिक्विडेट हो रही है, मतलब शट डाउन हो रही है. और एक न्यू कंपनी फॉर्म कर रहे हैं एक्स वाई लिमिटेड. एंड ये जो कंपनीज लिक्विडेट हुई है वो क्या करेगी? एक्स वाई लिमिटेड में अपने एसेट्स एंड लाइबिलिटीज ट्रांसफर करेगी. उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? अमालगमेशन. आई विल रिपीट, जब टू और मोर एग्जिस्टिंग कंपनीज लिक्विडेट होते हैं और एक न्यू कंपनी फॉर्म किया जाता है और वो न्यू कंपनी एग्जिस्टिंग कंपनीज के बिजनेस लेती है, मतलब एसेट्स एंड लाइबिलिटीज लेती है, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? अमालगमेशन. अब जो कंपनीज लिक्विडेट हो रही है या तो जो कंपनीज अपना एसेट्स एंड लाइबिलिटीज न्यू कंपनी को ट्रांसफर कर रही है, उस कंपनी को क्या बोलते हैं? ट्रांसफरर कंपनी, वेंडर कंपनी और द सेलिंग कंपनी. मतलब अपने ये एग्जाम्पल में एक्स लिमिटेड एंड वाई लिमिटेड कौन हुई? ट्रांसफरर कंपनी, सेलिंग कंपनी या वेंडर कंपनी? एक्स वाई लिमिटेड कौन होगा? परचेजिंग कंपनी. एक्स वाई लिमिटेड को बोलेंगे परचेजिंग कंपनी. और ट्रांसफरी कंपनी और वेंडी कंपनी. अमालगमेशन का टर्म समझ गया, अब एब्जॉर्प्शन का मीनिंग देखते हैं. एब्जॉर्प्शन मींस व्हेन वन और मोर एग्जिस्टिंग कंपनी गो इनटू लिक्विडेशन एंड सम एग्जिस्टिंग कंपनी टेक्स ओवर इट्स बिजनेस. एब्जॉर्प्शन मतलब वन और मोर एग्जिस्टिंग कंपनी क्या होती है? लिक्विडेट होती है और दूसरी एग्जिस्टिंग कंपनी ही ये कंपनी जो लिक्विडेट हो रही है उसको टेक ओवर करती है. फॉर एग्जाम्पल, एक्स लिमिटेड एक एग्जिस्टिंग कंपनी है, वो अपना एसेट्स एंड लाइबिलिटीज ट्रांसफर कर रही है वाई लिमिटेड को. वाई लिमिटेड कौन है? एग्जिस्टिंग कंपनी. उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? एब्जॉर्प्शन. अब एक्स लिमिटेड कौन है यहाँ पे? सेलिंग कंपनी. वाई लिमिटेड कौन है? परचेजिंग कंपनी. अब अमालगमेशन एंड एब्जॉर्प्शन में डिफरेंस क्या हुआ? अमालगमेशन में टू और मोर कंपनीज लिक्विडेट होती है, वेयर एज एब्जॉर्प्शन में वन और मोर कंपनीज लिक्विडेट होती है. अमालगमेशन में एक न्यू कंपनी फॉर्म होती है जो एसेट्स एंड लाइबिलिटीज लेती है लिक्विडेटेड एग्जिस्टिंग कंपनी का. एब्जॉर्प्शन के केस में एग्जिस्टिंग कंपनी ही जो कंपनी एग्जिस्टिंग लिक्विडेटेड कंपनी हुई है उसका एसेट्स एंड लाइबिलिटीज लेती है. आई विल रिपीट, एब्जॉर्प्शन जो एग्जिस्टिंग कंपनी है वही टेक ओवर करती है एग्जिस्टिंग कंपनी जो लिक्विडेट हुई उसका एसेट्स एंड लाइबिलिटीज. नेक्स्ट, एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन. इट मींस when one existing company go into liquidation and a new company is formed to take over its business. मतलब एक existing company liquidate होती है और for this purpose, for external reconstruction purpose, एक new company form किया जाता है
वो एग्जिस्टिंग कंपनी का एसेट्स एंड लाइबिलिटीज लेती है. फॉर एग्जाम्पल, एक्स लिमिटेड इज एन एग्जिस्टिंग कंपनी, वो लिक्विडेट होती है और अपना एसेट्स एंड लाइबिलिटीज वाई लिमिटेड एक न्यू कंपनी को ट्रांसफर करती है. एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन के लिए एक न्यू कंपनी स्पेशली फॉर्म की जाती है सो दैट एग्जिस्टिंग कंपनी का एसेट्स एंड लाइबिलिटीज वो न्यू कंपनी ले सके. फ्रेंड्स, इसके साथ अपना थ्री बेसिक टर्म्स दैट इज अमालगमेशन, एब्जॉर्प्शन एंड एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन कंप्लीट होता है. फ्रेंड्स, अमालगमेशन टू टाइप्स का होता है, दैट इज अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर एंड अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज. अब अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर कब करना है और अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज कब होगा वो देखते हैं. अब इफ ऑल फाइव कंडीशंस ऑफ AS 14 आर सेटिस्फाइड, अगर AS 14 ने फाइव कंडीशंस दी है, अगर वो फाइव कंडीशंस, ऑल फाइव कंडीशंस, आई विल रिपीट, AS 14 ने जो फाइव कंडीशंस दी है वो सब के सब फाइव कंडीशंस अगर फुलफिल होते हैं, आई विल रिपीट, ऑल इज इंपॉर्टेंट हियर, सब के सब कंडीशंस फुलफिल होते हैं तो कौन सा आएगा, मर्जर मेथड और पुलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड, दैट इज अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर. सम सॉल्व करते हैं जब मर्जर मेथड के हिसाब से, तो उसे क्या बोलते हैं, मर्जर मेथड और पुलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड. और अगर AS 14 ने जो फाइव कंडीशंस दी है उसमें से अगर एक भी कंडीशंस फुलफिल नहीं होती है तो आएगा अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज. इफ एनी ऑफ द फाइव कंडीशन इज नॉट सेटिस्फाइड देन परचेज मेथड. फाइव कंडीशंस है, अगर फोर कंडीशन फुलफिल हुई, एक कंडीशन फुलफिल नहीं हुई तो कौन सा मेथड आएगा, परचेज मेथड. तीन कंडीशन फुलफिल हुई, दो कंडीशन नहीं हुई तो परचेज मेथड. बट अगर फाइव की फाइव कंडीशंस फुलफिल हुई तो कौन सा मेथड आएगा, मर्जर मेथड. सो दिस इज इंपॉर्टेंट, ऑल फाइव कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए जो AS 14 ने दिया. अगर वो फाइव कंडीशंस फुलफिल हुई तो मर्जर मेथड और पुलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड, और एक भी कंडीशन फुलफिल नहीं हुई तो फिर परचेज मेथड. नेक्स्ट, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अमालगमेशन इज एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस, टू अवॉइड कॉम्पिटिशन एंड क्रिएट मोनोपोली, टू गेट इकोनॉमीज ऑफ स्केल एंड टू गेट सिनर्जी इन द बिजनेस. अब अपन ने देखी थी कि AS 14 की फाइव कंडीशंस फुलफिल हुई तो मर्जर मेथड. सो वो फाइव कंडीशंस है कौन सी वो अब देखते हैं. इफ ऑल The following conditions are fulfilled, it is considered as amalgamation in the nature of merger. अब एक एक करके conditions देखते हैं. First condition, purchasing company will take over all the assets including fictitious assets and all liabilities including reserves and surplus except share capital. मतलब परचेजिंग कंपनी कौन होता है वो बिगनिंग ऑफ द चैप्टर में ही मैंने बता दिया था. सो यहाँ पे परचेजिंग कंपनी सेलिंग कंपनी का सब एसेट्स लेगी, ऑल एसेट्स इंक्लूडिंग फिक्टिशियस एसेट्स. फिक्टिशियस एसेट्स का मतलब, एग्जांपल्स अगर बोलो तो अंडरराइटिंग ऑफ कमीशन, अंडरराइटिंग ऑफ कमीशन, ये मैं सिर्फ एग्जांपल्स बता रही हूं. नेक्स्ट, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस ऑफ कंपनी, वो सब भी परचेजिंग कंपनी लेगी. एंड ऑल एसेट्स इंक्लूडिंग रिजर्व्स एंड सरप्लस एक्सेप्ट शेयर कैपिटल. मतलब परचेजिंग कंपनी सेलिंग कंपनी के सब एसेट्स लेगी इंक्लूडिंग फिक्टिशियस एसेट्स, एंड सेलिंग कंपनी के सब लाइबिलिटीज लेगी इंक्लूडिंग रिजर्व्स एंड सरप्लस. बट क्या नहीं लेगी परचेजिंग कंपनी, परचेजिंग कंपनी सेलिंग कंपनी का सिर्फ और सिर्फ शेयर कैपिटल नहीं लेगी, शेयर कैपिटल को छोड़ के वो सब एसेट्स एंड सब लाइबिलिटीज लेगी. सेकेंड कंडीशन,
All assets and liabilities will be taken over at book values, except in case to maintain uniform accounting policies. मतलब purchasing company, selling company के सब assets and liabilities कौन से value पे लेगी? Book value पे. Next, at least holder of 90% of the face value of equity share should become the holder of transferring company. मतलब ट्रांसफरी कंपनी कौन होती है? परचेजिंग कंपनी. सो सेलिंग कंपनी के इक्विटी शेयर होल्डर्स जो है वो फेस वैल्यू के एटलीस्ट 90% जितने वापस परचेजिंग कंपनी में इक्विटी शेयर होल्डर बनने चाहिए. एटलीस्ट 90, मतलब 90 से ऊपर होगा तो चलेगा, बट 90 से कम होगा तो ये कंडीशन फुलफिल नहीं होगी. सपोज 89% फेस वैल्यू वाले ही इक्विटी शेयर होल्डर बनते हैं ट्रांसफरी कंपनी में, 89 मतलब कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही. 90 या 90 से ज्यादा, मतलब 90, 91, 92, 99, 98% अगर होल्डर बनते हैं ट्रांसफरी कंपनी में तो कंडीशन फुलफिल होगी. फॉर एग्जाम्पल, सपोज सेलिंग कंपनी में फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल है 4000, सो एटलीस्ट 90% तो इक्विटी शेयर होल्डर कहाँ पे होने चाहिए? ट्रांसफरी कंपनी में. सो 4000 का 90% इज हाउ मच? 3600. सो 3600 और मोर ट्रांसफरी कंपनी में होल्डर होने चाहिए. अगर 3500 ही फेस वैल्यू इक्विटी शेयर होल्डर बने ट्रांसफरी कंपनी में तो कंडीशन फुलफिल नहीं होगी और फिर तुम्हें परचेज मेथड अडॉप्ट करना होगा. बट अगर 3800 हुआ तो यस, तो कंडीशन फुलफिल हो रही क्योंकि एटलीस्ट 90% वाली कंडीशन है. सो नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं. अब परचेज कंसिडरेशन टू इक्विटी शेयर होल्डर्स शुड बी डिस्चार्ज्ड बाय इक्विटी शेयर्स ओनली एक्सेप्ट इन केस ऑफ फ्रैक्शनल शेयर्स. परचेज कंसिडरेशन क्या होता है वो अपन आगे देखेंगे, बट परचेज कंसिडरेशन जो इक्विटी शेयर होल्डर्स को पे करेंगे वो कौन से वे में होना चाहिए? इक्विटी शेयर्स में ही होना चाहिए. बट अगर फ्रैक्शनल शेयर्स है तो फिर कैश दोगे तो चलेगा, बट फॉर द फुल शेयर्स इक्विटी शेयर्स इश्यू करना जरूरी है फॉर द इक्विटी शेयर होल्डर्स. सपोज परचेज कंसिडरेशन आता है 10,000.99. सो फॉर दिस 10,000 इक्विटी शेयर्स इश्यू करना जरूरी है. 0.99 क्या है? फ्रैक्शनल शेयर्स. सो 0.99 के लिए अगर कैश देते हो तो चलेगा, बट जो फुल शेयर्स है उसके लिए इक्विटी शेयर्स ही इश्यू करना कंपलसरी है. अगर इक्विटी शेयर इश्यू नहीं किया फॉर द फुल शेयर्स तो क्या हो जाएगा? कंडीशन फुलफिल नहीं होगी और तुम्हें परचेज मेथड से करना होगा अमालगमेशन का सम. नेक्स्ट, ट्रांसफरिंग कंपनी शुड कंटिन्यू द सेम बिजनेस. मतलब परचेजिंग कंपनी जो है उसको सेम बिजनेस कंटिन्यू करना है सेलिंग कंपनी का. सपोज सेलिंग कंपनी मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में है तो परचेजिंग कंपनी को भी मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस ही करना होगा. अगर सेलिंग कंपनी टेक्सटाइल बिजनेस में है तो सेलिंग परचेजिंग कंपनी को भी टेक्सटाइल बिजनेस ही करना होगा क्योंकि सेम बिजनेस शुड बी कंटिन्यूड. या अगर ऑल फाइव कंडीशन सेटिस्फाई हुई, सबकी सब कंडीशन सेटिस्फाई हुई तो मर्जर मेथड और पुलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड. एक भी कंडीशन फुलफिल नहीं हुई तो फिर वो परचेज मेथड से सम सॉल्व करना पड़ेगा. आई होप तुम्हें फाइव कंडीशंस समझ गया होगा. अब देखते हैं परचेज कंसिडरेशन मीन्स व्हाट. परचेज कंसिडरेशन का मीनिंग क्या है? एज पर AS 14 PC मीन्स एनी पेमेंट मेड बाय परचेजिंग कंपनी टू द शेयर होल्डर्स ऑफ द सेलिंग कंपनी. मतलब परचेज कंसिडरेशन मीन्स परचेजिंग कंपनी जो भी शेयर होल्डर्स ऑफ सेलिंग कंपनी को पे करती है उसे क्या बोलते हैं? परचेज कंसिडरेशन. आई विल रिपीट, परचेजिंग कंपनी
सेलिंग कंपनी के शेयर होल्डर्स को जो भी पे करती है उसे बोलते हैं परचेज कंसिडरेशन. हियर शेयर होल्डर्स इज इम्पॉर्टेंट. अगर वो क्रेडिटर्स या डिबेंचर होल्डर्स को पे करती है तो वो परचेज कंसिडरेशन का पार्ट नहीं बनेगा. परचेज कंसिडरेशन में सिर्फ और सिर्फ वही पेमेंट्स आएंगे जो परचेजिंग कंपनी शेयर होल्डर्स ऑफ सेलिंग कंपनी के पे करती है. एनी पेमेंट, अब ये जो एनी पेमेंट बोला है मींस एनी पेमेंट मेड बाय परचेजिंग कंपनी. सो पेमेंट में क्या क्या आएगा? तो पेमेंट में आएगा पेमेंट इंक्लूड्स पेमेंट बाय शेयर्स, डिबेंचर्स, कैश और एनी अदर एसेट. मतलब परचेजिंग कंपनी सेलिंग कंपनी के शेयर होल्डर्स को अगर शेयर्स देती है, डिबेंचर्स देती है, कैश देती है या कोई भी एसेट देती है, वो सब क्या माना जाएगा? परचेज कंसिडरेशन. इट मीन्स एनी पेमेंट मेड बाय परचेजिंग कंपनी टू द सेलिंग कंपनीज डिबेंचर होल्डर्स और क्रेडिटर्स कैन नॉट बी इंक्लूडेड इन द परचेज कंसिडरेशन. आई विल रिपीट, परचेजिंग कंपनी सपोज सेलिंग कंपनी के क्रेडिटर्स को पे करती है, डिबेंचर होल्डर्स को पे करती है, तो वो जो पे कर रही है डिबेंचर होल्डर्स क्रेडिटर्स को, वो परचेज कंसिडरेशन का पार्ट नहीं बनेगा. परचेज कंसिडरेशन में सिर्फ और सिर्फ वही पेमेंट्स आएंगे जो परचेजिंग कंपनी सेलिंग कंपनी के शेयर होल्डर्स को पे करती है. नेक्स्ट, लिक्विडेशन एक्सपेंस ऑफ सेलिंग कंपनी पेड बाय परचेजिंग कंपनी कैन नॉट बी इंक्लूडेड इन परचेज कंसिडरेशन. लिक्विडेशन एक्सपेंस मतलब जब कंपनी लिक्विडेट होती है, जब सेलिंग कंपनी अपना बिजनेस बंद करती है तो उसे बंद करने के कुछ खर्चे लगते हैं, वो खर्चे को क्या बोलते हैं? लिक्विडेशन एक्सपेंसेस. सो सेलिंग कंपनी का लिक्विडेशन एक्सपेंस अगर परचेजिंग कंपनी ने पे कर दिया तो वो लिक्विडेशन एक्सपेंस परचेज कंसिडरेशन का पार्ट नहीं बनेगा. सो परचेज कंसिडरेशन में सिर्फ क्या आएगा? परचेज कंसिडरेशन में सिर्फ आएगा पेमेंट टू शेयर होल्डर्स. अगर पेमेंट टू क्रेडिटर्स है, डिबेंचर होल्डर्स है, तो वो सब नहीं आएगा पीसी में. अगर परचेजिंग कंपनी ने सेलिंग कंपनी का लिक्विडेशन एक्सपेंस पे कर दिया तो वो भी परचेज कंसिडरेशन का पार्ट नहीं बनेगा. सो आई होप तुम्हें पीसी का मीनिंग समझ गया होगा कि पीसी में क्या क्या चीजें इंक्लूड होती है. नेक्स्ट, इन द एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन अज्यूम अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज अंटिल एंड अनलेस मेंशन्ड इन क्वेश्चन रिगार्डिंग मर्जर मेथड. मतलब जब क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने का टाइम आएगा, जब क्वेश्चन में अगर बोला है कि ये क्वेश्चन को मर्जर मेथड से सॉल्व करना है, तभी मर्जर मेथड के रूल्स अप्लाई होंगे. जब तक क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला है कि कौन से मेथड से अमालगमेशन सॉल्व करना है, तो वो केस में क्या करोगे? तुम परचेज मेथड अप्लाई करोगे. सो जब एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन है, क्वेश्चन में बोला ही नहीं है कि अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर करना है या अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बोला है, क्वेश्चन साइलेंट है, वो केस में क्या करोगे? अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज के हिसाब से क्वेश्चन सॉल्व करोगे. सो अंटिल एंड अनलेस मेंशन इन क्वेश्चन रिगार्डिंग मर्जर मेथड, मतलब जब तक क्वेश्चन में नहीं बोला है कि अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर करना है, तुम कौन सा मेथड करोगे? परचेज मेथड अप्लाई करोगे. सो नेक्स्ट, ए लिमिटेड है, एक बी लिमिटेड है. बी लिमिटेड क्या दे रही है ए लिमिटेड को? एसेट्स एंड लाइबिलिटीज. एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज को क्या बोलते हैं? नेट एसेट टेकन ओवर. क्योंकि एसेट्स में से लाइबिलिटीज लेस कर रहे हो, मतलब एसेट्स क्या हो रहा है? नेट बच रहा है. सो नेट एसेट टेकन ओवर. बी लिमिटेड ने नेट एसेट टेकन ओवर ए को दिया तो ए इन रिटर्न क्या देगा? परचेज कंसिडरेशन. क्योंकि एसेट्स एंड लाइबिलिटीज बी लिमिटेड दे रहा है तो ऑब्वियसली वो उसके अगेंस्ट में कुछ डिमांड करेगा, तो ए लिमिटेड क्या देगा उसको उसके अगेंस्ट में? परचेज कंसिडरेशन. सो आई विल रिपीट, जो कंपनी नेट एसेट्स लेती है दूसरी कंपनी का, वो कंपनी क्या देती है? परचेज कंसिडरेशन देती है. किसको देती है? जो कंपनी से उसने
नेट एसेट्स लिए है। सो ये केस में क्या होगा, ए लिमिटेड कौन होगा, परचेजिंग कंपनी, क्योंकि वो एसेट्स एंड लाइबिलिटीज ले रहा है बी का। बी कौन होगा, सेलिंग कंपनी, क्योंकि वो अपना एसेट्स एंड लाइबिलिटीज सेल ऑफ कर रहा है, वो अपना एसेट्स एंड लाइबिलिटीज ट्रांसफर कर रहा है। नेक्स्ट फ्रेंड्स, मर्जर मेथड को पुलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड भी बोलते हैं। सो एग्जाम में अगर बोला कि अमालगमेशन का सम है और उसे सॉल्व करो एज पर पुलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड, तो कंफ्यूज मत हो जाना, वो सेम मर्जर मेथड के रूल्स के हिसाब से ही सॉल्व करना है। सो परचेज मेथड या मर्जर मेथड, मर्जर मेथड का ही सेकेंड नेम क्या है, पुलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड। अब देखते हैं डिफरेंस बिटवीन परचेज मेथड एंड मर्जर मेथड और पुलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड। मतलब परचेज मेथड में क्या डिफरेंस होगा एंड मर्जर मेथड करते हैं तो क्या डिफरेंस होगा। याद होगा फ्रेंड्स, मर्जर मेथड कब करते हैं, जब 5 कंडीशंस जो AS 40 ने दी है वो फुलफिल होनी चाहिए। पहले देखते हैं परचेज मेथड। परचेज मेथड में नट्टो माइनस पीसी, नट्टो मतलब क्या था, एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज, यहाँ पे अपन ने देखा था व्हाट इज नेट एसेट टेकन ओवर, इट मींस एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज। नट्टो क्या है, नेट एसेट टेकन ओवर। नेट एसेट टेकन ओवर मतलब एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज। बट इधर इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, परचेज मेथड में एसेट्स एंड लाइबिलिटीज कौन से वैल्यू पे लोगे, उसे लोगे फेयर वैल्यू पे। फेयर वैल्यू पे एसेट्स लोगे, उसमें से लेस करोगे लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज को किस पे लोगे, फेयर वैल्यू पे, तो क्या मिलेगा, नेट एसेट टेकन ओवर। नेट एसेट टेकन ओवर में से परचेज कंसिडरेशन लेस करोगे तो डिफरेंस आएगा, डिफरेंस आएगा तो डिफरेंस या तो गुडविल होगा या तो कैपिटल रिजर्व होगा। अब पता कैसे चलेगा कि वो डिफरेंस गुडविल है या कैपिटल रिजर्व है। बिफोर वी बिगिन दिस, फेयर वैल्यू मतलब क्या, फेयर वैल्यू या तो परचेजिंग कंपनी बोलती है कि मैं तुम्हारे एसेट्स एंड लाइबिलिटीज ये वैल्यू पे लूंगी। सपोज प्लांट एंड मशीनरी सेलिंग कंपनी के बुक्स में है 100 रुपीज में बैलेंस शीट में, whereas purchasing company बोलती है कि मैं तुम्हारा प्लांट एंड मशीनरी 80 रुपीज में लूंगी। सो वॉट इज दिस 80, दिस इज योर फेयर वैल्यू एंड वेट, बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट के एसेट्स में दिखता है प्लांट एंड मशीनरी 100 रुपीज का है, परचेजिंग कंपनी बोलती है प्लांट एंड मशीनरी मैं 80 रुपीज में लूंगी। सो वॉट इज दिस 80, 80 इज योर फेयर वैल्यू, व्हाट इज दिस 100, बुक वैल्यू। बैलेंस शीट में दी गई फिगर्स उसे क्या बोलते हैं, बुक वैल्यू। एडजस्टमेंट में अगर बोला है कि इतने पे रीवैल्यू किया या इतने में खरीदा तो उसे क्या बोलेंगे, फेयर वैल्यू या रीवैल्यूड फिगर्स। सो एसेट्स एंड लाइबिलिटीज फेयर वैल्यू पे लेते हैं परचेज मेथड में, उसमें से लेस करोगे परचेज कंसिडरेशन तो डिफरेंस आएगा, वो डिफरेंस या तो गुडविल होगा या तो कैपिटल रिजर्व होगा। गुडविल कब होगा, जब तुम्हारा परचेज कंसिडरेशन ज्यादा है नट्टो से, मतलब तुमने सेलिंग कंपनी का बिजनेस सिर्फ 100 रुपए का लिया और सामने तुमने उसे 120 का पेमेंट किया। आई विल रिपीट, एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज, परचेजिंग कंपनी ने लिया 100 रुपीज का, बट वो 100 एसेट्स एंड लाइबिलिटीज का पेमेंट कितना किया, 120 का, डिफरेंस कितना, 20 रुपीज। 20 रुपीज ज्यादा पे किया क्योंकि एसेट्स एंड लाइबिलिटीज तो कितने की ली, सिर्फ और सिर्फ 100 रुपीज की, बट पे किया है 120। ये 120 क्या है, मे बी सेलिंग कंपनी का मार्केट में ब्रांड होगा, रिकॉग्निशन होगा, गुडविल होगा, इसके वजह से 20 रुपीज एक्स्ट्रा पे कर रहे हो। सो ये 20 रुपीज क्या होगा, गुडविल। जब भी परचेज कंसिडरेशन ज्यादा होता है नट्टो से तो क्या होता है, गुडविल। बट सपोज एसेट्स एंड लाइबिलिटीज 100 रुपीज की ली है, सामने पेमेंट सिर्फ और सिर्फ 80 रुपीज का किया है,
डिफरेंस 20 रुपीस का, वो क्या होगा? कैपिटल रिजर्व। जब भी परचेज कंसिडरेशन कम होता है नट्टो से तो क्या होता है? कैपिटल रिजर्व। मर्जर मेथड देखते हैं। मर्जर मेथड में भी सेम है, नट्टो माइनस परचेज कंसिडरेशन डिफरेंस होगा। अब मर्जर मेथड में नट्टो, नट्टो मतलब क्या? एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज। बट मर्जर मेथड में एसेट्स एंड लाइबिलिटीज अपन कौन से वैल्यू पे लेते हैं? बुक वैल्यू पे। परचेज मेथड में फेयर वैल्यू, मर्जर मेथड में बुक वैल्यू। क्योंकि फाइव कंडीशन में से एक कंडीशन थी कि परचेजिंग कंपनी टेक्स ओवर ऑल एसेट्स एंड लाइबिलिटीज एट बुक वैल्यू। सो एसेट्स एंड लाइबिलिटीज किस पे लेंगे? बुक वैल्यू पे। प्लस परचेजिंग कंपनी रिजर्व्स एंड सरप्लस भी लेती है एक्सेप्ट शेयर कैपिटल। फर्स्ट कंडीशन याद होगा, परचेजिंग कंपनी विल टेक ओवर ऑल एसेट्स इंक्लूडिंग फिक्टिशियस एसेट्स एंड ऑल लाइबिलिटीज इंक्लूडिंग रिजर्व्स एंड सरप्लस एक्सेप्ट शेयर कैपिटल। मतलब शेयर कैपिटल सिर्फ नहीं लेती है, क्या लेती है? एसेट्स लेती है, लाइबिलिटीज लेती है, रिजर्व्स एंड सरप्लस लेती है। एसेट्स एंड लाइबिलिटीज को कौन से वैल्यू पे लेंगे? बुक वैल्यू पे, क्योंकि वो कंडीशन में दिया हुआ है। सो बैलेंस शीट में से यहाँ पे एसेट्स होता है, यहाँ पे शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस एंड लाइबिलिटीज। सो एसेट्स माइनस रिजर्व्स एंड सरप्लस माइनस लाइबिलिटीज करोगे तो बचेगा क्या? शेयर कैपिटल, वही दिया है यहाँ पे। या तो तुम एसेट्स एट बुक वैल्यू माइनस लाइबिलिटीज एट बुक वैल्यू माइनस रिजर्व्स एंड सरप्लस करो, या फिर शेयर कैपिटल लिखो, मींस द सेम। ये सिर्फ कैलकुलेशन के लिए, बट परचेजिंग कंपनी का कंट्रोल किस पे है? सेलिंग कंपनी के इस पे, तो एसेट्स लाइबिलिटीज एंड रिजर्व्स एंड सरप्लस पे। लेस क्या करोगे? परचेज कंसिडरेशन, जो भी अमाउंट आएगा वो कहां पे जाएगा? जनरल रिजर्व में। परचेज मेथड में जो भी डिफरेंस आता था वो गुडविल या कैपिटल रिजर्व होता था, बट मर्जर मेथड में जो भी अमाउंट आएगा नट्टो माइनस पीसी करके वो कहां पे जाएगा? जनरल रिजर्व में। नेक्स्ट, परचेज मेथड में सिर्फ ओनली बिजनेस इज टेकन ओवर विदाउट ओनर, मतलब सिर्फ और सिर्फ बिजनेस लेते हैं अपन। वेर एज मर्जर मेथड में बिजनेस प्लस ओनर इज टेकन ओवर सो दैट ओनरशिप रिमेन्स इंटैक्ट। परचेज में सिर्फ और सिर्फ बिजनेस लेते हैं क्योंकि अपन सिर्फ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज लेते हैं, रिजर्व्स एंड सरप्लस नहीं लेते हैं। मर्जर मेथड में अपन एसेट्स भी लेते हैं, लाइबिलिटीज भी लेते हैं, रिजर्व्स एंड सरप्लस भी लेते हैं। दैट मींस व्हाट? शेयर कैपिटल इन शॉर्ट। मतलब बिजनेस एंड ओनर दोनों लेते हैं, क्यों? क्योंकि ओनरशिप इंटैक्ट रखने के लिए, ओनरशिप सेम रखने के लिए। इसके लिए अगर कुछ भी एड या लेस फिगर आता है वो कहां पे एडजस्ट करोगे मर्जर मेथड में? जनरल रिजर्व में। अमालगमेशन के सम्स आएंगे तो सॉल्व कैसे करोगे? पहले नेट एसेट टेकन ओवर कैलकुलेट कर लो, फिर पीसी कैलकुलेट कर लो। एक बार नट्टो एंड पीसी कैलकुलेट हो गया तो क्या होगा? परचेज मेथड है तो गुडविल या कैपिटल रिजर्व में आएगा, मर्जर मेथड रहेगा तो वो जनरल रिजर्व में जाएगा। फिर सेलिंग कंपनी की बुक्स क्लोज करो एंड परचेजिंग कंपनी की बुक्स स्टार्ट करो। परचेज मेथड में पहले वर्किंग नोट होगा, वर्किंग नोट किसका बनेगा? परचेज कंसिडरेशन का। सेकेंड, नट्टो कैलकुलेट करो। परचेज मेथड में नट्टो कैसे कैलकुलेट होता है? एसेट एट फेयर वैल्यू लेस लाइबिलिटीज एट फेयर वैल्यू। लाइबिलिटीज में रिजर्व्स एंड सरप्लस नहीं लेते हैं, क्यों? क्योंकि परचेज मेथड में हो। नेक्स्ट, अब कभी कभी सेलिंग कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एसेट साइड में गुडविल ऑलरेडी दिया होता है, बट अगर पीसी पेमेंट बेसिस पे है तो बुक वैल्यू ऑफ गुडविल शुड नॉट बी इंक्लूडेड, नहीं तो फिर वो डबल इफेक्ट हो जाएगा। कैसे? वो जर्नल एंट्रीज में मैं एक्सप्लेन करूंगी, बट ध्यान में रखना अगर पीसी पेमेंट बेसिस पे है तो गुडविल सेलिंग कंपनी का अपन इंक्लूड नहीं करेंगे वाइल कैलकुलेटिंग एसेट्स टेकन ओवर एट फेयर वैल्यू। क्यों? इधर भी बता देती हूँ एक बार शॉर्ट में, क्योंकि जो भी डिफरेंस होता है वो गुडविल या कैपिटल रिजर्व में जाता है, गुडविल डबल इफेक्ट हो जाएगा। इसके लिए पेमेंट बेसिस होगा तो गुडविल अपन बुक वैल्यू ऑफ गुडविल इंक्लूड नहीं करेंगे। नेक्स्ट,
पीसी अमाउंट पेबल बाय परचेजिंग कंपनी टू शेयर होल्डर ऑफ सेलिंग कंपनी. पेमेंट किसको होता है? इक्विटी शेयर होल्डर एंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को. इक्विटी शेयर होल्डर्स को क्या क्या पे कर सकते हो? इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, डिबेंचर्स ऑफ परचेजिंग कंपनी एंड कैश. प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, डिबेंचर्स ऑफ परचेजिंग कंपनी. एड करो क्या मिलेगा? परचेज कंसिडरेशन. नेक्स्ट गुडविल या कैपिटल रिजर्व आएगा. कैसे? पीसी माइनस नेट एसेट टेकन ओवर. पीसी अगर ज्यादा पे किया है नटो से तो गुडविल, पीसी अगर कम पे किया है नटो से तो कैपिटल रिजर्व. अब जर्नल एंट्रीज देखते हैं इन द बुक्स ऑफ सेलिंग कंपनी. सेलिंग कंपनी के बुक्स में जर्नल एंट्रीज पास करनी है. सेलिंग कंपनी मतलब कंपनी अपना बिजनेस बंद कर रही है तो उसके पास लाइबिलिटीज एंड एसेट्स होने चाहिए क्या? नहीं. सब लाइबिलिटीज एंड एसेट्स क्या करेगा? वो रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे और बैलेंस शीट को नलिफाई कर देंगे. सो एसेट्स को रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करोगे तो एंट्री क्या होगी? एसेट्स का डेबिट बैलेंस होता है, अब उसे तुम ट्रांसफर कर रहे हो रियलाइजेशन अकाउंट में तो एसेट्स को क्रेडिट करोगे और डेबिट किसको करोगे? रियलाइजेशन अकाउंट को. रियलाइजेशन अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट का नेचर क्या होता है? नॉमिनल अकाउंट. नॉमिनल अकाउंट मतलब डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स. अब एसेट्स मतलब पैसे मिलने वाले होंगे तुम्हें, बट अभी वो तुम्हें नहीं मिल रहे हैं क्योंकि तुम बिजनेस को क्लोज डाउन कर रहे हो. सो तुम्हारा लॉस है वो, तो तुम क्या कर रहे हो? रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट कर रहे हो. सो एंट्री क्या होगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट. कौन से वैल्यू पे होगा ये एंट्री? तो बुक वैल्यू पे, क्योंकि तुम्हें बैलेंस शीट को नलिफाई करना है. फिर ऑल एसेट्स एट बुक वैल्यू एक्सेप्ट कैश एंड बैंक इफ टेकन ओवर ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट एल्स डू नॉट. मतलब परचेजिंग कंपनी अगर सेलिंग कंपनी का कैश और बैंक अकाउंट लेती है तो ही तुम यहाँ पे एसेट्स में कैश एंड बैंक भी लिखोगे, अगर और उसे रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर होगा. बट अगर परचेजिंग कंपनी सब एसेट्स लेती है एक्सेप्ट कैश एंड बैंक अकाउंट, मतलब परचेजिंग कंपनी बोलती है मैं तुम्हारे सब एसेट्स लूंगी बट मैं तुम्हारा कैश एंड बैंक बैलेंस नहीं लूंगी, वो केस में क्या होगा? यहाँ पे सिर्फ एसेट अकाउंट आएगा एक्सेप्ट कैश एंड बैंक अकाउंट. सो परचेजिंग कंपनी अगर कैश बैंक अकाउंट लेगी तो फर्स्ट एंट्री में इंक्लूड होगा कैश बैंक का बैलेंस, इफ नहीं लेती है तो ट्रांसफर नहीं होगा. नेक्स्ट बिफोर दैट इफ क्वेश्चन इज साइलेंट अज्यूम कैश बैंक इज टेकन ओवर. अगर क्वेश्चन में कुछ बोला ही नहीं है कि परचेजिंग कंपनी कैश और बैंक अकाउंट सेलिंग कंपनी का ले रही है कि नहीं ले रही है, मतलब क्वेश्चन साइलेंट है, वो केस में क्या अज्यूम करोगे? परचेजिंग कंपनी सेलिंग कंपनी का कैश और बैंक अकाउंट टेक ओवर कर रही है. नेक्स्ट ट्रांसफर ऑफ लाइबिलिटीज. एसेट्स ट्रांसफर हो गए, अब लाइबिलिटीज को ट्रांसफर करनी है. लाइबिलिटीज का क्रेडिट बैलेंस होता है, अब ट्रांसफर करो तो क्या करोगे? डेबिट. क्रेडिट किसको करोगे? रियलाइजेशन अकाउंट को. सो एंट्री क्या होगी? लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट. थर्ड एसेट्स एंड लाइबिलिटीज ट्रांसफर हो गए, फिर क्या करोगे? परचेज कंसिडरेशन को ड्यू करोगे. एंट्री क्या होगी? परचेजिंग कंपनी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट. पीसी ड्यू हो गया, फिर क्या करोगे? पीसी मिलेगा सेलिंग कंपनी को. आई विल रिपीट, पीसी ड्यू हो गया, फिर परचेज कंसिडरेशन जो है वो सेलिंग कंपनी को मिलेगा. एंट्री क्या होगी? मोड ऑफ पेमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेजिंग कंपनी. मोड ऑफ पेमेंट में आएगा जो भी वे में परचेजिंग कंपनी सेलिंग कंपनी को परचेज कंसिडरेशन पे कर रही है वो सब डेबिट होगा. फॉर एग्जाम्पल कैश दिया तो कैश डेबिट होगा, इक्विटी शेयर्स दिया तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा, प्रेफरेंस शेयर्स दिया तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा, डिबेंचर्स दिया तो डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट होगा एंड सो ऑन. मतलब जो भी परचेज कंसिडरेशन में मिलेगा सेलिंग कंपनी के शेयर होल्डर्स को वो सब क्या होगा? डेबिट होगा. नेक्स्ट रियलाइजेशन एक्सपेंस.
एंट्री क्या होगी, एक्सपेंस को पे करना है, ऑब्वियसली कैश और बैंक अकाउंट से बैलेंस जाएगा, बैलेंस कम होगा, सो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट. नेक्स्ट, अगर परचेजिंग कंपनी कुछ एसेट्स या लाइबिलिटीज सेलिंग कंपनी का नहीं लेती है तो वो केस में क्या करोगे, एसेट्स जो भी है वो सेल ऑफ होगा. एसेट्स सेल करोगे तो ऑब्वियसली कैश या बैंक अकाउंट डेबिट होगा क्योंकि कैश और बैंक बैलेंस तुम्हें मिलेगा. एसेट्स जाएगा सो एसेट्स क्रेडिट करोगे, एंट्री क्या होगी, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट. व्हाई रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट किया, बिकॉज फर्स्ट एंट्री में अपन ने बैलेंस शीट के सब एसेट्स ट्रांसफर कर दिए थे रियलाइजेशन अकाउंट में. सी ऑल एसेट्स, सब के सब एसेट्स बैलेंस शीट में रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर किया. सो अब रियलाइजेशन अकाउंट को ही हिट करोगे अगर परचेजिंग कंपनी सेलिंग कंपनी का कोई एसेट नहीं लेती है तो, क्योंकि वो एसेट ऑलरेडी रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर हो गया है. सेम वे इधर भी ऑल लाइबिलिटीज आएगी, ऑल लाइबिलिटीज. बैलेंस शीट में जितनी भी लाइबिलिटीज होगी वो सब कहां पे ट्रांसफर कर दोगे, रियलाइजेशन अकाउंट में. सो एसेट अकाउंट को क्रेडिट नहीं किया और रियलाइजेशन अकाउंट को क्रेडिट किया, ये किसके लिए होगा, एसेट्स. सेम अगर परचेजिंग कंपनी सेलिंग कंपनी का कुछ लाइबिलिटीज टेक ओवर नहीं करती है तो ऑब्वियसली वो लाइबिलिटीज को पे ऑफ करना पड़ेगा. सो एंट्री क्या होगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक अकाउंट. सेम रीजन क्यों यहाँ पे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट किया, क्योंकि सेकेंड एंट्री में अपन ने सेलिंग कंपनी के बैलेंस शीट की सब लाइबिलिटीज रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर दी थी. सो अब लाइबिलिटी को पे कर रहे हो, मतलब जो लाइबिलिटीज रियलाइजेशन अकाउंट में चली गई वो लाइबिलिटी को पे कर रहे हो, इसके लिए रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट किया. कैश जाएगा सो टू कैश और बैंक अकाउंट. नेक्स्ट, पेबल टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर. एसेट्स एंड लाइबिलिटीज हो गया, एक्सपेंसेस हो गया, पीसी ड्यू हो गया, पीसी रिसीव्ड हो गया. अब प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पे करोगे, पहले क्या करोगे, एंट्री ड्यू करोगे. पीसी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पे करना है वो ड्यू करोगे. सेलिंग कंपनी के बैलेंस शीट में लाइबिलिटीज में क्या होता है, प्रेफरेंस शेयर होता है, मतलब क्रेडिट बैलेंस. अब उसे पे करना है तो क्या करोगे, डेबिट. सो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट. कौन सी वैल्यू से डेबिट करोगे, तो बैलेंस शीट वैल्यू, और यू कैन से बुक वैल्यू. इट मींस द सेम, बैलेंस शीट में जो भी अमाउंट है उससे तुम प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को डेबिट करोगे. टू, प्रेफरेंस शेयर होल्डर कौन से अमाउंट से करोगे, परचेज कंसिडरेशन वाले अमाउंट से, मतलब जो भी परचेजिंग कंपनी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पे कर रहा है वो वाला अमाउंट तुम यहाँ पे क्रेडिट करोगे. फिर जो भी डिफरेंस आएगा डेबिट या क्रेडिट में वो कहां पे जाएगा, रियलाइजेशन अकाउंट में. फॉर एग्जाम्पल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल बैलेंस शीट में है 40 रुपीज का, पीसी आया 30 रुपीज का, 10 रुपीज का डिफरेंस है कहां पे, क्रेडिट में. सो यहाँ पे क्या आएगा, रियलाइजेशन अकाउंट टू रियलाइजेशन अकाउंट 10 रुपीज. सपोज अगर बैलेंस शीट वैल्यू है 40, परचेज कंसिडरेशन है 50, 10 रुपीज का डिफरेंस कहां पे है, डेबिट में, तो कहां पे आएगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 10 रुपीज. सो डिफरेंस डेबिट में हो या क्रेडिट में, किधर जाएगा वो, रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर होगा. फिर ये ड्यू की एंट्री थी, अब प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पे करोगे. सो प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट, कौन सी वैल्यू आएगी, पीसी, क्योंकि तुमने सेवेंथ एंट्री में प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट को पीसी से क्रेडिट किया था, अब उसे कैंसिल करोगे तो डेबिट करोगे. टू, मोड ऑफ पेमेंट, परचेजिंग कंपनी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स सेलिंग कंपनी के प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को जो भी पे करे वो कहां पे आएगा, क्रेडिट होगा. फॉर एग्जाम्पल, कैश दे रहे तो कैश, प्रेफरेंस शेयर दे रहे तो प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी शेयर दे रहे तो इक्विटी शेयर एंड व्हाटसोएवर. सो आई विल रिपीट, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पे करोगे तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट, कौन से अमाउंट से करोगे, परचेज कंसिडरेशन से. टू, मोड ऑफ पेमेंट,
जो भी सेलिंग कंपनी के शेयर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को परचेसिंग कंपनी दे रही है वो सब कहां पे आएगा? क्रेडिट में आएगा। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का भी पेमेंट हो गया, लास्ट में किसको करोगे? इक्विटी शेयर होल्डर्स को। सो पेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर क्या क्या पे करोगे? इक्विटी शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स एंड सरप्लस। सो नाइन्थ जर्नल एंट्री क्या होगी? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, कौन सा अमाउंट? बुक वैल्यू। फिर रिजर्व्स एंड सरप्लस पे भी किसका राइट होता है? इक्विटी शेयर होल्डर्स का। सो रिजर्व्स एंड सरप्लस अकाउंट डेबिट कौन से वैल्यू पे? बुक वैल्यू पे, टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट। इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट को ए नंबरिंग दिया। फिर बेरेबल बाय इक्विटी शेयर होल्डर, अगर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्विटी शेयर होल्डर बेयर कर रहा है तो ऑब्वियसली फिक्टिशियस एसेट्स भी जो भी है कंपनी का कौन बेयर करेगा? इक्विटी शेयर होल्डर्स। फिक्टिशियस एसेट्स का बैलेंस क्या होता है? डेबिट बैलेंस, क्योंकि एसेट्स में शो होता है। सो एंट्री क्या होगी? इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू फिक्टिशियस एसेट्स। फिक्टिशियस एसेट्स का डेबिट बैलेंस होता है, अब ट्रांसफर करो इक्विटी शेयर होल्डर्स को, सो क्रेडिट किया एंड डेबिट क्या? इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट। कौन सी वैल्यू आएगी? बुक वैल्यू। देन इधर 10th एंट्री में इक्विटी शेयर होल्डर को बी नंबरिंग दिया। देन रियलाइजेशन अकाउंट में सब पोस्टिंग होने के बाद में क्लोज करोगे, जो भी प्रॉफिट या लॉस आएगा रियलाइजेशन अकाउंट में वो कहां पे ट्रांसफर होगा? इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट्स में। सो रियलाइजेशन प्रॉफिट और लॉस उसको नंबर दिया सी, ट्रांसफर टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट। फिर फाइनली इक्विटी शेयर होल्डर्स को पे करोगे। इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट यहाँ पे जो ए नंबरिंग दिया था जर्नल एंट्री 9 में, वो उसमें से लेस करोगे इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट वाला बी, क्योंकि क्रेडिट माइनस बी डेबिट करोगे ना, सो माइनस किया। फिर प्लस और माइनस सी, अभी जो भी है प्रॉफिट है या लॉस है अकॉर्डिंगली तुम एडलेस करोगे, उसे डेबिट करोगे। टू मोड ऑफ पेमेंट अकाउंट, परचेजिंग कंपनी सेलिंग कंपनी के इक्विटी शेयर होल्डर्स को जो भी पे करेगी वो यहाँ पे आएगा। कैश दिया तो कैश आएगा, इक्विटी शेयर कैपिटल दिया तो इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दिया तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, डिबेंचर्स दिया तो डिबेंचर्स आएगा एंड सो ऑन। फिर जो भी बैलेंस बचेगा वो कहाँ पे जाएगा? टू कैश अकाउंट। फॉर एग्जाम्पल इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट हुआ 100 से, मोड ऑफ पेमेंट मतलब परचेसिंग कंपनी ने 80 रुपीज दिया, बचा 20, वो कहाँ पे जाएगा? टू कैश अकाउंट, दैट इज योर बैलेंसिंग फिगर। तो जर्नल एंट्री टैली होगी, सो वो टैली करने के लिए क्या करोगे? बैलेंसिंग फिगर कैश अकाउंट में ट्रांसफर कर दोगे। इसके साथ अपना इन द बुक्स ऑफ सेलिंग कंपनी कंप्लीट होता है, मतलब इन द बुक्स ऑफ सेलिंग कंपनी में टोटल 12 जर्नल एंट्रीज आती है। एक क्विक रिवीजन देखते हैं कि कौन कौन सी 12 जर्नल एंट्रीज पास होगी इन द बुक्स ऑफ सेलिंग कंपनी। पहले एसेट्स ट्रांसफर करोगे, फिर लाइबिलिटीज ट्रांसफर वाली एंट्री, फिर पीसी ड्यू होगा, फिर पीसी रिसीव होगा, फिर रियलाइजेशन एक्सपेंस वाली एंट्री, फिर एसेट्स या लाइबिलिटीज परचेजिंग कंपनी जो नहीं ले रही है उसकी एंट्री आएगी, फिर पेबल टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, फिर पेड टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, फिर पेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, बेरेबल बाय इक्विटी शेयर होल्डर्स, फिर रियलाइजेशन में अगर कुछ भी प्रॉफिट या लॉस रहेगा वो, एंड देन फाइनली पे टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। सो सेलिंग कंपनी के बुक्स में ये 12 जर्नल एंट्रीज आएगी। सो इन द बुक्स ऑफ सेलिंग कंपनी में जर्नल एंट्रीज देख ली, अब परचेजिंग कंपनी के बुक्स में जर्नल एंट्रीज देखते हैं। इन द बुक्स ऑफ परचेजिंग कंपनी फर्स्ट एंट्री कौन सी पास होगी? बिजनेस परचेज की, क्योंकि परचेजिंग कंपनी सेलिंग कंपनी का बिजनेस ले रहा है। सो एंट्री क्या होगी? बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट टू लिक्विडेटर ऑफ सेलिंग कंपनी। अमाउंट कौन सी आएगी यहाँ पे? तो परचेज कंसिडरेशन की। सेकेंड एसेट्स एंड लाइबिलिटीज टेकन ओवर, परचेजिंग कंपनी जो जो एसेट्स एंड लाइबिलिटीज सेलिंग कंपनी के टेक ओवर कर रही है वो वाले एसेट्स एंड लाइबिलिटीज सेकेंड एंट्री में रिकॉर्ड होंगे। कौन से अमाउंट पे होंगे? तो फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड होगा।
एसेट्स टेकन ओवर एट फेयर वैल्यू अकाउंट डेबिट, एसेट्स से खरीद रहा है एसेट्स का वैल्यू बढ़ेगा सो डेबिट। टू लाइबिलिटीज क्रेडिट बैलेंस होता है, लाइबिलिटीज ले रहा है सो टू लाइबिलिटीज टेकन ओवर एट फेयर वैल्यू। टू बिजनेस परचेज अकाउंट, डिफरेंस जो भी रहेगा, डेबिट में डिफरेंस आया तो गुडविल, क्रेडिट में डिफरेंस आया तो कैपिटल रिजर्व। सिर्फ ध्यान ये रखना फ्रेंड्स कि परचेजिंग कंपनी में सेकेंड एंट्री में एसेट्स एंड लाइबिलिटीज कौन से वैल्यू पे रिकॉर्ड होगी, तो फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड होगी। बिजनेस परचेज में कौन सी अमाउंट आएगी, तो पीसी की आएगी। फर्स्ट एंट्री में बिजनेस परचेज को डेबिट किया था, सेकेंड एंट्री में उसे क्रेडिट करके नलीफाई हो गया। अब फर्स्ट एंट्री में लिक्विडेटर ऑफ सेलिंग कंपनी अकाउंट क्रेडिट किया था, सो थर्ड एंट्री में उसे डेबिट करो टू मोड ऑफ पेमेंट, मतलब परचेजिंग कंपनी जो जो पीसी के फॉर्म में इश्यू किया है सेलिंग कंपनी के शेयर होल्डर्स को, वो सब कहां पे आएगा, टू मोड ऑफ पेमेंट अकाउंट। कैश दिया तो कैश आएगा, प्रेफरेंस शेयर्स दिया प्रेफरेंस शेयर्स आएगा, इक्विटी शेयर्स दिया इक्विटी शेयर्स आएगा, डिबेंचर्स दिया डिबेंचर्स आएगा। सो लिक्विडेटर ऑफ सेलिंग कंपनी अकाउंट डेबिट टू मोड ऑफ पेमेंट अकाउंट। सो जो फर्स्ट एंट्री में बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट किया था उसे सेकेंड एंट्री में क्रेडिट करके नलीफाई हो गया। सेम वे फर्स्ट एंट्री में लिक्विडेटर ऑफ सेलिंग कंपनी को क्रेडिट किया था, थर्ड एंट्री में उसे डेबिट किया और वो अकाउंट भी क्लोज आउट हो गया। नेक्स्ट, पेमेंट टू लाइबिलिटी। अगर परचेजिंग कंपनी सेलिंग कंपनी की कुछ लाइबिलिटी टेक ओवर करती है तो ऑब्वियसली पे ऑफ करना होगा। सो लाइबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस होता है, वो पे करेगी तो लाइबिलिटी डेबिट टू मोड ऑफ पेमेंट। इफ एनी लाइबिलिटी टेकन ओवर, कुछ भी लाइबिलिटी लेगी तो पे ऑफ करने के टाइम पे एंट्री क्या होगा, लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट टू मोड ऑफ पेमेंट। जो भी वे में लाइबिलिटी पे कर रही है वो कहां पे आ जाएगा, क्रेडिट में। नेक्स्ट, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड बाय परचेजिंग कंपनी। अगर परचेजिंग कंपनी सेलिंग कंपनी का कुछ रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पे करती है तो एंट्री क्या होगा, ऑब्वियसली एक्सपेंस पे किया है तो कैश और बैंक बैलेंस कम होगा सो उसे क्रेडिट करो। डेबिट किसको करोगे, कैपिटल रिजर्व और गुडविल अकाउंट। अभी कैपिटल रिजर्व आएगा कि गुडविल अकाउंट आएगा कहां से डिसाइड होगा, तुम्हारे सेकेंड एंट्री से। अगर यहाँ पे तुम्हारा गुडविल आता है डेबिट में तो क्या यूज होगा, गुडविल। अगर तुम्हारा सेकेंड एंट्री में कैपिटल रिजर्व आता है तो तुम क्या करोगे, कैपिटल रिजर्व अकाउंट को डेबिट करोगे। सो सेकेंड एंट्री में जो भी डिफरेंस आएगा गुडविल या कैपिटल रिजर्व, वो यहाँ पे अकॉर्डिंगली यूज होगा टू कैश और बैंक अकाउंट। नेक्स्ट इज अनरियलाइज्ड प्रॉफिट ऑन स्टॉक। मतलब सपोज परचेजिंग कंपनी ने कुछ सेल किए थे गुड्स या स्टॉक टू सेलिंग कंपनी एंड डेट ऑफ अमालगमेशन पे वो स्टॉक अभी तक सेलिंग कंपनी के पास है, वो अभी तक सेल आउट नहीं हुआ है, वो सेलिंग कंपनी के इन्वेंट्री में अभी भी है वो स्टॉक, कभी ऑन द डेट ऑफ अमालगमेशन। अब सेलिंग कंपनी और परचेसिंग कंपनी क्या हो रही है, एक ही कंपनी हो रही है क्योंकि अमालगमेट हो रहे हैं। सो दोनों के बीच में अब प्रॉफिट कुछ भी नहीं रहेगा, सो वो प्रॉफिट जो भी है स्टॉक पे रहेगा, प्रॉफिट ये स्टॉक पे जो भी रहेगा उसे क्या करोगे, कैंसिल करोगे। एंट्री क्या होगी, कैपिटल रिजर्व अकाउंट और गुडविल अकाउंट डेबिट, कैपिटल रिजर्व अकाउंट डेबिट और गुडविल अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट। स्टॉक में वो प्रॉफिट इंक्लूडेड है, मतलब स्टॉक इंक्रीज्ड रहेगा, अब वो प्रॉफिट एलिमिनेट करना है स्टॉक में से, तो स्टॉक का वैल्यू कम होगा सो स्टॉक को क्रेडिट किया। और डेबिट किसको करोगे, कैपिटल रिजर्व अकाउंट और गुडविल अकाउंट। कैसे पता चलेगा कैपिटल रिजर्व यूज करना है या गुडविल, सेकेंड एंट्री पे डिपेंड करता है, सेकेंड एंट्री में जो भी आएगा वो तुम्हारा यहाँ पे डेबिट होगा। देन ये वाइस वर्सा भी हो सकता है कि सेलिंग कंपनी ने कुछ स्टॉक या गुड्स परचेसिंग कंपनी को सेल किया रहेगा और अमालगमेशन के डेट पे वो स्टॉक परचेसिंग कंपनी के इन्वेंट्री में अभी भी इंक्लूडेड है, सो वो जो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट है, अभी तक वो प्रॉफिट जो रियलाइज्ड नहीं हुआ है स्टॉक से, वो क्या करोगे, अभी तुम एलिमिनेट कर दोगे। सो एंट्री होगी कैपिटल रिजर्व अकाउंट डेबिट और गुडविल अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट।
नेक्स्ट इज म्यूचुअल ओइंग्स, मतलब सपोज सेलिंग कंपनी ने परचेजिंग कंपनी को कुछ सेल किया क्रेडिट पे, तो सेलिंग कंपनी के लिए परचेजिंग कंपनी कौन हो गया? डेटर्स। सेलिंग कंपनी के लिए सेल्स मतलब परचेजिंग कंपनी के लिए क्या होगा? वो परचेजेस। परचेजिंग कंपनी के लिए वो परचेज हुआ तो सेलिंग कंपनी कौन हो गया? क्रेडिटर्स फॉर परचेजिंग कंपनी। अब ये दोनों कंपनी एक ही मानी जाएगी जब अमालगमेट होगी, मतलब डेटर्स और क्रेडिटर्स तो एक ही कंपनी में नहीं हो सकते हैं विद इन द कंपनी। सो वो डेटर्स और क्रेडिटर्स को कैंसल करना होगा क्योंकि अब विद इन द कंपनी एक कंपनी है सपोज एबी लिमिटेड, अब उसके अंदर क्रेडिटर्स एंड डेटर्स तो नहीं हो सकते ना विद इन द कंपनी, सो उसे कैंसल करना होगा। उसे क्या बोलते हैं? म्यूचुअल ओइंग्स। डेटर्स का डेबिट बैलेंस होता है तो उसे क्रेडिट करो, क्रेडिटर्स का क्रेडिट बैलेंस होता है उसे डेबिट करो एंड उसे म्यूचुअल ओइंग्स को कैंसल कर दो। नेक्स्ट इज इफ एनी स्टैचुटरी रिजर्व इज देयर। नाउ व्हाट इज स्टैचुटरी रिजर्व, वो अपन आगे देखते हैं कि स्टैचुटरी रिजर्व किसे बोलते हैं। बट अगर स्टैचुटरी रिजर्व कुछ रहेगा तो एंट्री क्या होगी? अमालगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू स्टैचुटरी रिजर्व। ये तुम्हारा अमालगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट एक डमी अकाउंट टाइप होता है जिससे तुम स्टैचुटरी रिजर्व्स को अपने बुक्स में रिकॉर्ड करते हो। सो तुम्हें इधर एक चीज ध्यान रखना होगा कि तुम्हें रिजर्व्स कौन से डिविजिबल होते हैं, कौन से नॉन डिविजिबल होते हैं, किसको स्टैचुटरी रिजर्व बोलते हैं, वो तुम्हें क्लियरली आना चाहिए, तो ही तुम्हें पता चलेगा कि हाँ ये स्टैचुटरी रिजर्व है एंड अकॉर्डिंगली उसे तुम बुक्स में रिकॉर्ड करोगे एज अमालगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू स्टैचुटरी रिजर्व अकाउंट। फ्रेंड्स उसके साथ अपना परचेजिंग कंपनी के बुक्स में जर्नल एंट्रीज कंप्लीट होती है। नेक्स्ट गुडविल अराइजिंग ऑन अमालगमेशन शुड बी अमोर्टाइज्ड ऑन अ सिस्टमैटिक बेसिस over a period not exceeding 5 years unless the longer period can be justified. मतलब amalgamation पे जो goodwill arise होता है उसे systematically amortize करना है, write off करना है, कितने period तक? 5 साल तक। But अगर more than 5 years का period justifiable है तो फिर more than 5 years का period आएगा, otherwise उसे within 5 years या up to 5 years write off करना है। अब रिजर्व्स एंड सरप्लस का बाइफरकेशन देखते हैं। एक होता है डिविजिबल प्रॉफिट, उसे फ्री रिजर्व्स भी बोलते हैं, रेवेन्यू प्रॉफिट्स भी बोलते हैं। डिविजिबल प्रॉफिट, फ्री रिजर्व, रेवेन्यू प्रॉफिट मतलब सेम। उसमें कौन कौन से रिजर्व्स आते हैं? तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जनरल रिजर्व और कंटिजेंसी रिजर्व, रिजर्व फंड, वर्कमैन कॉम्पेंसेशन फंड, वर्कमैन एक्सीडेंट फंड, वर्कमैन इंश्योरेंस फंड, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, डिविडेंड इक्विलाइजेशन रिजर्व। नेक्स्ट इज नॉन डिविजिबल प्रॉफिट, नॉन फ्री रिजर्व, कैपिटल प्रॉफिट। नॉन डिविजिबल प्रॉफिट के बारे में बात करते हैं, उसके पहले एक बात बताती हूँ। डिविजिबल प्रॉफिट मतलब ये जो प्रॉफिट है वो तुम फ्रीली यूज कर सकते हो कहाँ पे भी विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शंस। बट जब नॉन डिविजिबल प्रॉफिट की बात आती है तो कुछ रेस्ट्रिक्शंस आ जाते हैं, मतलब तुम उसे फ्रीली यूज नहीं कर पाते हो, उसके कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं उसे तुम्हें फुलफिल करना होता है। सो नॉन डिविजिबल प्रॉफिट या नॉन फ्री रिजर्व या कैपिटल प्रॉफिट, उसमें कौन कौन से आते हैं रिजर्व? तो शेयर्स फोरफीचर, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, सिक्योरिटीज प्रीमियम, कैपिटल रिजर्व। नेक्स्ट इज स्टैचुटरी रिजर्व, जो अपन ने परचेजिंग कंपनी के जर्नल एंट्रीज में बात की थी कि अगर स्टैचुटरी रिजर्व कुछ होता है तो एंट्री कैसे आती है? अमालगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू स्टैचुटरी रिजर्व। सो ये स्टैचुटरी रिजर्व्स की बात की थी। स्टैचुटरी रिजर्व मतलब क्रिएटेड अंडर इनकम टैक्स एक्ट 1961। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ लॉक इन पीरियड इट बिकम्स फ्री रिजर्व। सपोज कोई कोई स्टैचुटरी रिजर्व्स का लॉक इन पीरियड होता है कि 5 years, 3 years एंड सो ऑन। सपोज अगर 5 years का लॉक इन पीरियड है तो वो 5 साल तक वो रिजर्व्स क्या होगा? स्टैचुटरी रिजर्व। बट एक बार 5 years कंप्लीट हुआ तो वो क्या बन जाएगा? फ्री रिजर्व्स। सेम वे 3 years, अगर 3 years का लॉक इन पीरियड है तो 3 years तक वो क्या रहेगा? स्टैचुटरी रिजर्व। आफ्टर 3 years क्या हो जाएगा? वो फ्री रिजर्व्स।
सो स्टैट्यूटरी रिजर्व्स में क्या क्या आएगा? इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व, डेवलपमेंट रिबेट रिजर्व, एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व एंड फॉरेन प्रोजेक्ट रिजर्व. नेक्स्ट इज रिवैल्यूएशन रिजर्व. रिवैल्यूएशन रिजर्व इज नॉन डिविजिबल प्रॉफिट. देन सिंकिंग फंड और डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, मतलब डिपेंड्स इफ डिबेंचर्स आर रिडीम्ड और ऑलरेडी रिडीम्ड, देन सिंकिंग फंड और DRR विल बी कंसिडर्ड एज फ्री रिजर्व्स, अदरवाइज नॉन फ्री. ये सिंकिंग फंड या डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए क्रिएट करते हैं. सो एक बार वो तुम्हारा पर्पस फुलफिल हो गया तो ये सिंकिंग फंड या DRR क्या हो जाएगा? फ्री रिजर्व. बट जब तक तुम्हारा पर्पस, जो पर्पस के लिए तुमने सिंकिंग फंड या DRR क्रिएट किया था, वो फुलफिल नहीं हुआ है वो पर्पस, तो वो तब तक क्या रहेगा? तुम्हारा नॉन फ्री रिजर्व. नेक्स्ट इज नॉन रिजर्व, मतलब लॉन्ग टर्म प्रोविजन. ये रीड करते हैं या सुनते हैं तब लगता है कि वो रिजर्व है, बट वो रियलिटी में रिजर्व नहीं है. वो क्या है? लॉन्ग टर्म प्रोविजन. दीज आर नॉन रिजर्व, दैट इज प्रोविडेंट फंड, पेंशन फंड, ग्रेच्युटी फंड, वर्कमैन प्रोजेक्ट शेयरिंग फंड एंड स्टाफ बेनोवेलेंट फंड. इसके साथ अपना रिजर्व्स एंड सरप्लस का बाइफरकेशन वाला कॉन्सेप्ट कंप्लीट होता है. अब देखते हैं बुक्स ऑफ सेलिंग कंपनी, मतलब कौन कौन से अकाउंट्स तुम्हें ओपन करने होंगे जब तुम सेलिंग कंपनी के बुक्स में हो. बुक्स ऑफ सेलिंग कंपनी, फॉलोइंग अकाउंट्स आर टू बी ओपन्ड इन द बुक्स ऑफ सेलिंग कंपनी. रियलाइजेशन अकाउंट, इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट, कैश और बैंक अकाउंट, परचेजिंग कंपनी अकाउंट, शेयर्स और डिबेंचर्स इन परचेजिंग कंपनी अकाउंट. अगर समझो कंपनी में प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स नहीं है तो फिर ये अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है, बट प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स है तो फिर ये ऐसी अकाउंट बनाना पड़ेगा. नेक्स्ट, इन मर्जर मेथड ऑल रिजर्व्स एंड सरप्लस आर टेकन ओवर ऑफ सेलिंग कंपनी इंक्लूडिंग स्टैट्यूटरी रिजर्व. मतलब जब तुम अमालगमेशन का सम मर्जर मेथड से सॉल्व कर रहे हो तो वो केस में तुम्हें सेलिंग कंपनी के सब रिजर्व्स एंड सरप्लस लेने होंगे, प्लस स्टैट्यूटरी रिजर्व्स भी लेना होगा. क्योंकि जब अपन AS 14 ने जो 5 कंडीशंस दी है उसमें ही फर्स्ट लाइन अपन ने रीड किया था कि परचेजिंग कंपनी टेक ओवर ऑल द एसेट्स इंक्लूडिंग फिक्टिशियस एसेट्स एंड ऑल लाइबिलिटीज इंक्लूडिंग रिजर्व्स एंड सरप्लस. सो परचेजिंग कंपनी सेलिंग कंपनी का रिजर्व्स एंड सरप्लस भी लेती है और स्टैट्यूटरी रिजर्व्स भी लेती है. कब? जब वो मर्जर मेथड में हो तो. और परचेज मेथड के हिसाब से अमालगमेशन का सम सॉल्व कर रही है तो सिर्फ स्टैट्यूटरी रिजर्व लेगी सेलिंग कंपनी का और ना कि रिजर्व्स एंड सरप्लस. आई विल रिपीट, मर्जर मेथड में रिजर्व्स एंड सरप्लस एंड स्टैट्यूटरी रिजर्व दोनों लेगी सेलिंग कंपनी का, बट अगर परचेज मेथड में है तो सिर्फ सेलिंग कंपनी का स्टैट्यूटरी रिजर्व लेगी परचेजिंग कंपनी. फ्रेंड्स, इसके साथ अपना अमालगमेशन ऑफ कंपनीज की थ्योरी कंप्लीट होती है.